हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गाइस फ्लोरा एंड फोना के टॉपिक को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे पार्ट वन में हम इस टॉपिक की डिटेल स्टडी करेंगे और पार्ट टू वीडियो में हम इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एम सी क्यूज है वो पढ़ेंगे सो दीज आर दी टेबल ऑफ कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सबसे पहले फ्लोरा एंड फोना की डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स टाइप्स जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन हैं वो हम पढ़ेंगे और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम फ्लोरा एंड फूना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे और फाइनली जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी टर्म्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे So guys, let's start. So guys, सबसे पहले आपको फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है ऑल प्लांट लाइफ्स को और फोना रिप्रेजेंट करता है ऑल एनिमल्स लाइफ को जितने भी फ्लोरा हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर यू आर नो अबाउट दी प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस और जितने भी फोना है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो फ्लोरा पर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए या अपना खाना खाने के लिए फ्लोरा के ऊपर डिपेंड होते हैं सो so नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरा मीनिंग्स फ्लोरा क्या चीज है सो so किसी भी पार्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है किसी भी एरिया की किसी भी रीजन की होल प्लांट किंगडम मतलब उस रीजन में जितने भी किस्म के पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह पाए जाते हैं उन सबको फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है फ्लोरा को हम डिफरेंट फैक्टर के बेस पर क्लासिफाई करते हैं दी बेस्ट वन इज एरिया इन विच दे फोन्ड आर ग्रो कुछ डेजर्ट में ग्रो होते हैं लाइक like कैक्टस कुछ वाटर में ग्रो होते हैं और कुछ हिली यानी के फॉरेस्ट वगैरह में ग्रो होते हैं इस स्लाइड में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट हम जो भी इंपॉर्टेंट फ्लोरा है जम्मू कश्मीर में वो सब पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास फोना मीनिंग्स फोना क्या चीज है सो so जैसा कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन स्लाइड में पढ़ लिया कि फोना जो है वो ऑल एनिमल किंगडम ऑल एनिमल लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पार्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब को फोना रिप्रेजेंट करता है फोना को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है जितने भी बर्ड्स के टाइप्स हैं वो सब एविफोना की कैटेगरी में आते हैं और जितने भी फिशेस की टाइप्स हैं वो सारी पिस्कीफोना की कैटेगरी में आते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस हैं ये सारे माइक्रोफोना की कैटेगरी में आते हैं और जो भी अननोन और अनडिस्कवर्ड एनिमल्स हैं वो सारे क्रिप्टो क्रिप्टोफोना की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा एंड फोना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का और ये इंटर डिपेंडेंट एक दूसरे पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए फ्लोरा एंड फोना एक एम रोल प्ले करते हैं सो गैज फ्लोरा का जो वेस्ट है वो फोना की ग्रोथ के लिए जरूरी है और फोना का जो वेस्ट है वो फ्लोरा की ग्रोथ के लिए जरूरी है। है, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लग तो so नेचुरल वेजिटेशन के बारे में नेचुरल वेजिटेशन क्या है वो प्लांट्स जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के पैदा होते हैं या ग्रो होते हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है नेचुरल वेज... वेजिटेशन के पौधे जो हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है नंबर वन है हमारे पास सब ट्रॉफिकल फॉरेस्ट नंबर सेकेंड टेम्परेट फॉरेस्ट नंबर थर्ड एल्फॉन फॉरेस्ट एंड नंबर फोर्थ जीरो फेटिक वेजिटेशन हम एक एक करके इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सो so, सबसे पहली टाइप है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन की सब ट्रॉफिकल फॉरेस्ट जो सब ट्रॉफिकल फॉरेस्ट होते हैं ये लावर स्लोप ऑफ मिडल हिमालय और शिवालिक्स में पाए जाते हैं इन जंगलों में ज्यादातर घनी झाड़ियां और टीक साल शीशम और पिपल के पेड़ पाए जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परीट फॉरेस्ट टेम्परीट फॉरेस्ट जो है ये ग्रेटर हिमालय जांसकर कैराकोरम और पीर पंजाल रेंज में पाए जाते हैं और डॉमिनेंट स्पीशीज जो ज्यादातर इन जंगलों में पाए जाते हैं वो है देवदार पाइन सिल्वर फिर डार नेक्स्ट है हमारे पास एल्फाइन फॉरेस्ट एल्फाइन फॉरेस्ट ज्यादातर जो है ये बर्फ से ढके रहते हैं मई टू सितंबर जब बर्फ पिघलती है समर मंथ्स में तो इन जंगलों में हरी घास उगती है इन जंगलों का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है और गाइज ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू फोर थाउजेंड मीटर अबो है सी लेवल से सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास जीरो क्या है ये कौन से जंगल हैं जहां पे जीरो फैटिक वेजिटेशन के स्पीशीज पाए जाते हैं सो so गाइज जीरो फैटिक वेजिटेशन मतलब वो प्लांट्स जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर पर भी जिंदा रहते हैं या ग्रो करते हैं वो सारे जो है जीरो फैटिक वेजिटेशन की कैटेगरी में आते हैं और जीरो फैटिक वेजिटेशन जो है ये लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं इसके जो भी प्लांट्स होते हैं ये लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं इन प्लांट्स की जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि ये वाटर कंजर्विंग प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैक्टस है एगावेस है ये जो कुछ पेड़ है जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर पर भी जिंदा रह सकते हैं यानी कि अगर बारिश कम भी हो तब भी ये प्लांट्स जो हैं ये कंजर्विंग वाटर है ये अपने अंदर पानी बचा के रखते हैं तो अगर बहुत टाइम तक बारिश ना हो कुछ महीनों तक तब भी ये प्लांट्स जो हैं ये सूखते है ग्रो करते हैं so guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इम्पोर्टेंट फ्लोरा है वो हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहला है हमारे पास चिनार सो so गाइज जो चिनार का दरख्त होता है ये 25 मीटर अप टू 25 मीटर तक ग्रो करता है यानी कि 25 मीटर से ज्यादा तक इसकी हाइट हो सकती है लोकली जो चनार का दरख्त है उसका नाम होता है बून चनार का दरख्त जो है वो लोकली बून के नाम से भी जाना जाता है और कश्मीर में गाय चनार का जो दरख्त है इसको किंग ऑफ ट्रीज कहा जाता है यानी कि जितने भी ट्रीज हैं उनका जो किंग है ये चनार है और गाय जो चनार की लकड़ी का या चनार का जो फ्यूल होता है चनार की लकड़ी का या इसके पत्तों का इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वेरी हाई होती है और गैस जो कश्मीर में श्रीनगर में जो नसीम बाग है ये चनार की वजह से ज़्यादा फेमस है और साइंटिफिक जो नेम है चनार का वो है प्लेटनस ओरिएंटल्स गैस नेक्स्ट है हमारे पास पाइन ट्री पाइन ट्री जो है ये पीर पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है और गैस कुछ सालों से ये जो पाइन ट्री है ये काफ़ी फेमस है बिकॉज इसकी जो लकड़ी है वो कश्मीरी ऑर्नामेंट्स और गैजेट्स वगैरह के लिए यूज होती है जो कश्मीरी है वो गैजेट्स वगैरह बनाते हैं और ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के लिए तो उसके उसके लिए ये काफ़ी फेमस है कुछ सालों से पाइन पाइन ट्री नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर फिर सिल्वर फिर जो है ये 60 मीटर तक इसकी हाइट होती है ये बहुत ही टाल और एवरग्रीन ट्री होता है और इसकी जो ब्रांचिज होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग ब्रांचिज होती हैं इसकी और साइंटिफिक नेम जो है सिल्वर फिर का वो है एबाइस वेबीना और गैस जो सिल्वर फिर ट्री है इस दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो मेडिसन के तौर पर यूज किए जाते हैं हेडेक है और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए नेक्स्ट है हमारे पास देवदार ट्री सो गैस देवदार का साइंटिफिक नेम है कैडरस देवदारा और जो देवदार ट्री है ये भी एक लार्ज एवरग्रीन एवरग्रीन ट्री है जिसकी हाइट 40 टू तो 50 मीटर तक हाइट होती है इसकी और गैस देवदार के जो लीव्स होते हैं वो नीडल्स की तरह होते हैं जिनकी 2.5 टू 5 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है सो so गैस देवदार वर्ड संस्कृत वर्ड देवादारू से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है वुड्स ऑफ द गॉड्स सो गैस जो देवदार है इसकी लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी और कश्मीरी जो है वो देवदार की लकड़ी से होस बोट वगैरह बनाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स टू रिमेंबर आपने याद रखना है ये जो तीन चार टर्म्स हैं इनसे अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक्सटेंट स्पीशीज़ क्या होती हैं इंडेंजरस स्पीशीज़ क्या होती हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं रेड डेटा बुक क्या है ठीक है ना ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो भी एस के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन टर्म्स से भी आते हैं और जो नेचुरल फ्लोरा एंड फोना है जम्मू कश्मीर के उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं इनको अच्छे से याद रखना है तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सटिंग स्पीशियस एक्सटिंट स्पीशियस क्या चीज है वो एनिमल्स या वो प्लांट जिनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो चुकी है अब वो दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल दूधो दूधो क्या है दूधो एक बर्ल्ड था जिसकी नस्ल अब खत्म हो चुकी है तो जितने भी जानवर प्लांट्स या आप फ्लोराफोना बोल सकते हो क्योंकि सारे इसी कैटेगरी फ्लोरा और फोना की कैटेगरी में आते हैं तो जितने भी फ्लोरा और फोना जिनकी नस्लें ख़त्म हो चु हो चुकी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है तो उन सब को एक्सटिट स्पीशियस डिनोट करता है या वो सब जो हैं वो एक्सटेंट स्पीशियज की कैटेगरी में आते हैं सो गैस नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंजरस स्पीशियज इंडेंजरस स्पीशियज का मतलब हो गया कि वो प्लांट या वो एनिमल्स जिनकी नस्ल ख़त्म होने का खतरा है यानी वो प्ला, प्लांट्स या एनिमल्स बहुत कम तादाद में दुनिया में बचे हैं फॉर एग्जाम्पल गेंट पांधा टाइगर वगैरह जो और भी बहुत सारी कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं फ्लोराइड फूनाए हैं जिनकी नस्ल जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की स्टेज पर है यानी कि उनकी नस्ल खत्म होने का खतरा है तो नेक्स्ट है हमारे पास एंडिमिक स्पीशियस एंडिमिक स्पीशियस का मतलब ये हुआ कि वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो किसी पार्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं इसके अलावा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। so guys, next है हमारे पास रेड डेटा बुक क्या है सो गाइज रेड डेटा बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी इंडेंजरस स्पीशियस का रिकॉर्ड स्टोर रखता है रेड डेटा बुक के अंदर उन सब प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह की लिस्ट होती है जिनकी नस्ल खत्म होने के रिस्क पर है ये हर कंट्री हर स्टेट की अपनी एक रेड डाटा बुक होती है जिसमें ये सारा रिकॉर्ड स्टोर रखते हैं सो गैस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड डाटा बुक को एस्टेब्लिश किया था एज ए सेफगार्ड फॉर ऑल रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो भी प्लांट्स या एनिमल की नस्ल खत्म होने के स्टेज पर है उनकी एक्सटेंशन को बचाने के लिए रेड डेटा बुक को आई ने एस्टेब्लिश करवाया था और गाइज ये जो आई ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी और बड़ी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले हमने फ्लोरा पढ़े अब हम फोना पढ़ेंगे सो so गाइज फोना में सबसे पहले है हमारे पास हंगुल हांगल को कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी रेड डियर के नाम से भी जाना जाता है हंगुल का साइंटिफिक नेम है कैरवस एलाफुस हेंगलू और जो ये हंगुल है ये नॉर्मली डचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है और गाइस जो आई स्टेटस है हंगुल का वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये हुआ कि हंगुल जो है ये भी रिस्क स्टेज पर है रिस्क आ, स्टेज पर है मतलब कि इसकी नस्ल खत्म होने का भी डर है और गाइस जो प्रोजेक्ट हंगुल है वो स्टार्ट हुआ था 1970 में आई ने 150 एनिमल्स की लिस्ट बनाई थी उसमें प्रोजेक्ट हंगुल भी शामिल था ये टोटल जो है ये फाइव ईयर का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी 1.677 और ये प्रोजेक्ट 1970 में स्टार्ट हुआ था और 1980 तक अब 340 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी नेक्स्ट है हमारे पास मस्क डियर मस्क डियर जो है ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क और जे के लिम्बर वील्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है सो so मस्क डियर का साइंटिफिक नेम है मॉस्कोस क्राइसा गेस्टर और गैस आई स्टेटस जो है मस्क डियर का वो इंडेंजर्ड है मतलब कि ये भी खतरे ये भी खतरे में है इसकी नस्ल के भी खत्म होने का खतरा है और गैस जो है मस्क डियर जो है इसका ज्यादातर शिकार जो है वो परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है मस्क डियर का जो स्केंटेड ग्लैंड है इसका यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए नेक्स्ट है हमारे पास मारखोर मारखोर जो है वो कॉमनली लिम्बर लच्छीपुरा और हीरपुरा लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है वो साइंटिफिक नेम जो है मारखोर का वो है कैपरा फेलोनरी और आई यू सी एन स्टेटस जो है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है मारखोर का मतलब कि ये भी ये जानवर जो है ये भी खत्म होने के चांसेस है क्योंकि बहुत कम तादाद में ये जानवर भी बचा है दुनिया में और गैस जो मारखोर है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का और गैस मारखोर का जो दूसरा नाम है इसको स्क्रू स्क्रू हॉर्न और गोट भी कहा जाता है और गैस जो पीर पंजाल मारखोर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वील्ड गोट भी है नेक्स्ट है हमारे पास अबेक्स अबेक्स जो है ये ज्यादातर कंजी वील्ड लाइफ सेंचुरी और हिमस किश्तवाड़ नेशनल पार्क में

मतलब कि ये जो जानवर है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसको खतरा नहीं है डे बाय डे इसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग है नेक्स्ट है हमारे पास स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड का जो है, वो है, को ओन्स के नाम से भी जाना जाता है लोकली इसका ओन्स के नाम से जाना जाता है और आई यू सी एन स्टेटस है स्नो लिपर्ड का वो भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी खत्म हो रही है तो ये भी रिस्क स्टेज पे है इसका भी इसकी नस्ल के भी खत्म होने का डर है स्नो लिपर्ड की जो टेल है वो मोटी और लंबी होती है ये जब सोता है तो अपनी टेल को एज अ ब्लैंकेट यूज करता है अपने मुंह को ढकने के लिए सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक नेक्ट क्रेन ब्लैक नेक्ट क्रेन हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड था पहले ये जो बर्ड है ये लद्दाख एरिया में पाया जाता है और अब यूटी बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो न्यू स्टेट बर्ड है वो फ्लेमिंगो है सो गैस ब्लैक नेक्ट क्रेन जो है इसको भी बोला जाता है और जो साइंटिफिक नेम है ब्लैक नेक्ट क्रेन का वो है ग्रस एंटीगोन और गैस जो आई यू सी एन स्टेटस है ब्लैक नेक्ट क्रेन का वो है वो सो गैस नेक्स्ट है हमारे पास हिमालयन तार हिमालयन तार जो है ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है हिमी ट्रेगस जुमिला और गाइज ये जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसकी जो वूल है वो रेडिश ब्राउन और बहुत ही घनी वूल होती है इसकी और गाइज जो आई स्टेटस है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो इसका स्टेटस दिया है वो है नियर थ्रेटेंड आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में हमने फ्लोरा एंड फोना जो भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फूना उसको हमने पढ़ा है सो गाइज इसका पार्ट टू आने वाला है पार्ट टू में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लोरा एंड फोन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे तो आप इसका पार्ट टू जरूर देखें पार्ट टू में हम सिर्फ एम सी क्यूज पढ़ेंगे जो भी एम सी क्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड हैं सारे एम सी क्यूज हम पार्ट टू में अराउंड थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम एम सी क्यूज पार्ट टू में बनाएंगे तो आप पार्ट टू भी जरूर देखें तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग